हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल में एक्सरसाइज कौन सी 6.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम। देखिए एक्सरसाइज कौन सी 6.3 में आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था इसके पहले, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के एंगल के बारे में हमने पढ़ा। मतलब कि क्या ट्रायंगल के एंगल का समअप किसके होता है, 180 डिग्री के होता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर थ्योरम, एक्सटीरियर थ्योरम पढ़ा था कि क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल किसके होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इस एंगल के और इस एंगल के बराबर होगा, इस 110 की वैल्यू। 130 डिग्री एंगल किसके बराबर होगा, हमारा इस एंगल के, ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। तो ये हम पढ़े थे, तो ये थ्योरम हमने क्या किया था, पढ़ा था। अब चलिए क्या हम क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साइड क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। देखिए यहाँ पे S और यहाँ पे T क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, कह रहा है रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR, एंगल SPR एंड एंगल PQT 110, फाइंड एंगल PRQ। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, PR Q की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हमको क्या दिया गया है, ये हमारा एक ट्रायंगल दिया गया है और कह रहा है क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें से क्यू आर, इसको क्यू आर को एक्सटेंड किया गया तो पॉइंट टी मिल गया, और इस पी क्यू पी लाइन को एक्सटेंड किया तो क्या मिल गया, पॉइंट एस मिल गया। यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल 110 है और यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है किसके 135 डिग्री के है, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस एंगल की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए आप जानते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो लिख सकते हैं कि देखिए ये टी क्यू आर लीनियर पेयर से हमारा क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। या हम लिख कर सकते हैं क्या कि पी क्यू रे स्टैंड ऑन अ लाइन टी आर, ठीक है, इस टी आर लाइन पे क्या है, ये पी क्यू रे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। अगर स्टैंड करेगी तो उनका एंगल का सम ऑफ किसके होगा, 180 डिग्री के। तो किस कंडीशन से हो जाएगा, लीनियर पेयर से। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्यू आर रे स्टैंड स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे स्टैंड है, टी आर लाइन पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। या यहां पे आप देख सकते हैं टी क्यू आर, ये हमारी क्या हो गई, टी क्यू आर लाइन पे क्या कर स्टैंड कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 110 और इस एंगल का नाम लिख देते हैं प्लस एंगल किसके, पी क्यू आर इक्वल्स किसके हो गया, 180 डिग्री। ये हमारा यहाँ लिख दिए लीनियर पेयर से, कैसा हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया। तो देखिए लीनियर पेयर हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिए, पी क्यू आर इक्वल्स किसके होगा, 180 डिग्री माइनस किसके, 110। तो एंगल किसके आ गया, पी क्यू आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 70 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारी किसके, 70 डिग्री हो गई। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर थ्योरम, देखो एक्सटीरियर एंगल किसके होगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स के, क्या इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के हो जाएगा, किसके, इस ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम ऑफ किसके होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो हम चलिए यहां पर लिख देते हैं, यूजिंग एक्सटीरियर थ्योरम, देखिए एक्सटीरियर थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल आर पी एस इक्वल्स टू एंगल किसके हो जाएगा, पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी, ये ऐसा हो गया। इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 135, यहाँ पर हम लिख देंगे 135 डिग्री इक्वल्स टू पी आर क्यू, देखिए एंगल पी आर क्यू की वैल्यू नहीं पता है, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। पी आर क्यू लिख देंगे प्लस इसकी वैल्यू पता है कितनी है, इसकी इसकी वैल्यू है 70 डिग्री, इसको रख के क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू क्यू। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलेगा, देखिए यहां से हमारा क्या 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ यहाँ पे 3 है, 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये कितना होगा, 13 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे
किसके जाएगा 6 डिग्री का जाएगा। तो हमारा एंगल कौन सा होगा, एंगल पी आर क्यू किसके बराबर होगा 65 डिग्री। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। इसकी वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिया है, एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54, कह रहा इफ वाई एंड जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली, कह रहा ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। देखिए इसमें आपको क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करना वाई ओ जेड, मीन्स क्या होगा, हो गया सॉरी ओ जेड वाई, ओ हो गया जेड हो गया और वाई, हमको पहले ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करना और कौन सा वाई ओ जेड, और कौन सा एंगल फाइंड करना, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये दो एंगल हमको फाइंड करने हैं। और कह रहा है एंगल एक्स, ये एंगल एक्स किसके 62 डिग्री के, और एंगल वाई कितना है, ये टोटल एंगल 54 के है। इसमें से क्या ये रहा है वाई ओ, ये जो वाई ओ जो लाइन है इस एंगल का, इस एंगल वाई के का बाइसेक्टर है, और जेड ओ भी क्या है इसका बाइसेक्टर है। मीन्स कहने का मीन्स ये हो गया कि इस जो भी एंगल आएगा, अगर ये टोटल एंगल 54 है तो इसका आधा, तो ये एंगल किसके 27 को जाएगा। यहाँ पे जो एंगल आएगा जेड, इसका भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, किसके जगह जो भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसके हाफ की वैल्यू निकाल देंगे। फिर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, ट्रायंगल जो हम क्या ट्रायंगल का जो कंडीशन होती है उसको रख के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये दिया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे लिख देंगे हमको क्या ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ये किसके, हमको एक्स पता है वाई पता और जेड नहीं पता, तो जेड सबसे पहले क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज किसके, लिखते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वी हैव। देखिए क्या आते हैं, आप जानते हैं क्या जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कोई भी ट्रायंगल होगा उसका सम ऑफ किसके हो जाएगा 180 डिग्री का। यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल क्या लिख दिया जेड इक्वल्स किसके 180 डिग्री के। देखिए आपको किसकी वैल्यू पता है, एक्स की पता है कितना 62 डिग्री, वाई की पता है कितनी, वाई की 54 हो गया, जेड हमको क्या है नहीं पता, इसी को हमको क्या करना है फाइंड करना, इक्वल्स किसके होगा 180 के। देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं कितना जाएगा 6, देखिए 4 और 2 ऐड किए 6 हो गया, 5 और 6 ऐड किए कितना 11, 116 प्लस एंगल किसके जेड इक्वल्स 180 डिग्री हो गया। इसका ट्रांसपोज करते हैं, एंगल जेड इक्वल्स किसके 180 माइनस किसके 116, इसको सिंपलीफाई करते हैं, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ ये हमारा कितना 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 6 हो जाएगा, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल जेड बराबर किसके हो गया 64 के। देखिए एंगल जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई 64, कौन से कह रहा था क्या कह रहा था, इस एंगल जेड की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, जेड की वैल्यू ने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, ये जेड की टोटल वैल्यू कितना आ गई 64। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया क्या दिया गया है कि कह रहा है वाई ओ और जेड ओ, देखिए ये क्या है वाई ओ और ये जेड ओ है आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, मतलब क्या है इस एंगल का क्या है बाइसेक्टर है। तो हम चलिए यहाँ पे लिखेंगे वाई ओ इज द बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है तो देखिए कह रहा एक्स वाई जेड, तो यहां पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, अगर बाइसेक्टर है तो हम लिखेंगे क्या, हमको वैल्यू कौन सा फाइंड करनी है ओ वाई जेड, पहले ये फाइंड करते हैं, तो एंगल लिखेंगे ओ वाई जेड। देखिए बाइसेक्टर होगा तो ये 1/2 ऑफ एंगल किसके हो जाएगा एक्स वाई जेड के। देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर है 54 के है, यहाँ 54 डिग्री कर देंगे, 2 से डिवीजन करेंगे तो किसके आ जाएगा 27 डिग्री के। तो हमारी किसकी वाई ओ जेड की वैल्यू किसके 27 डिग्री आ गई, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स किसके 27 डिग्री। देखिए ये हमने फाइंड कर लिया किसकी 27 डिग्री, इसी तरह से हमको किसकी ओ जेड वाई फाइंड करना है, तो इसको भी हम यही फाइंड करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब की बार आ गया जेड ओ, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे
जेड ओ इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? देखिए यहां दिया एक्स जेड वाई, लिख देंगे यहां एक्स जेड वाई इसका बाइसेक्टर है। तो इधर चलिए यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स इसके हाफ हाफ एंगल, किसके एंगल हो जाएगा हाफ हाफ एंगल किसके जाएगा एंगल एक्स जेड वाई। अभी आपने इसकी वैल्यू फाइंड की कितना 64 आया है, इसकी वैल्यू हम कितना लिख देंगे 64 लिख देंगे, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई किसके 64 डिग्री। तो देखिए इसको डिवीजन करेंगे किससे 2 से, तो यहां पे कितना जाएगा 32 डिग्री। तो किसकी वैल्यू आ गई एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू किसके आ गया 32 डिग्री के। ये तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, हमने इस एंगल की फाइंड करना था, तो क्या ओ जेड वाई, देखिए यहां पे ओ जेड वाई वैल्यू फाइंड कर 32। अब हमको किसके फाइंड करना है, इसकी वैल्यू वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। देखिए इस ओ की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कैसा बन रहा है, तो यहां पे हमारा क्या जाएगा ट्रायंगल, तो लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल वाई ओ जेड लिखेंगे वी है क्यों, फिर ये हमारा क्या जाएगा सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो लिख देंगे एंगल क्या जाएगा, एंगल हमारा जाएगा ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड y प्लस एंगल हमारा क्या होगा y o z इक्वल्स इसके 180 डिग्री लिख देंगे। देखिए इसके इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहां पे हमने क्या 27 लिखा है, यहां पे 27 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 32, अभी आपने निकाला है 32 डिग्री रख देंगे प्लस एंगल y o z इक्वल्स इसके 180। सिंपलीफाई करते हैं, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 57 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा और 35 में 2 ऐड करेंगे कितना 5 डिग्री के, तो 5 हो फिर तो कितना आ जाएगा 59 प्लस एंगल XYOZ इक्वल्स टू इसके 180 डिग्री। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो YOZ इक्वल्स टू 180 माइनस इसके 59 डिग्री के, जब माइनस करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, जब 10 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1 डिग्री और यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 5 सेपरेट करेंगे किसके आएगा 2 आ जाएगा और 1 एंगल किसके वाई ओ जेड किसके बराबर आ गया हमारा 121 डिग्री के आ गया। इस तरह से हम क्या ये एंगल दो एंगल फाइंड करने थे, इसकी वैल्यू किसके 121 और इसकी वैल्यू 32 के आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है, इफ ए बी पैरेलल किसके डी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 एंड सी डी इज 53 फाइंड डी सी ई, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमको एंगल वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये दो लाइन का है क्या ए बी पैरेलल किसके है डी ई के, अगर ये पैरेलल है तो हम कहेंगे क्या ए बी ए ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी जिसके अल्टरनेट एंगल कैसे जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो यहां लिखते हैं ए बी पैरेलल डी ई, ए बी किसके पैरेलल है डी एंड कौन सी ए ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देखिए ए ई क्या हो गई ट्रांसवर्सल हो गई, अगर ये ट्रांसवर्सल हो गई तो हम कहेंगे क्या कहेंगे एंगल कौन सा एंगल, यहां पे लिखेंगे बी ए ई इक्वल्स टू एंगल किसके हो जाएगा डी ई ए, यहां पर लिख देंगे क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा कैसे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके है 35 के, यहां 35 डिग्री लिख देंगे एंगल हमारा क्या हो जाएगा एंगल हमारा जाएगा डी ई ए इक्वल्स टू किसके 35 डिग्री। देखिए हमने क्या कहा कौन सा एंगल फाइंड कर लिया, ये एंगल ई फाइंड कर लिया, अब ये कैसा फॉर्मेशन हो गया ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया है तो हम किसके निकालेंगे किसका इस एंगल को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या लिखते हैं इन ट्रायंगल डी सी ई वी हैव, तो देखिए हमने क्या लिख दिया
एंगल किसके डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी इक्वल्स किसके 180 डिग्री के। तो देखिए जिसकी जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी उसकी वैल्यू को रख देते हैं। हमको डी ई सी की किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी सी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम ऐसे लिखिए डी सी ई प्लस सी डी की वैल्यू कितनी पता है 53 डिग्री है, इसको 53 लिख दीजिए। इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड किया कितना 35 है, तो 35 लिख दीजिए। इक्वल्स किसके हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो एंगल डी सी ई प्लस देखिए 53 कितना लगेगा 8 और यहाँ पे 53 ऐड किया कितना 8 हो गया और 35 ऐड किया तब भी किसके 8, तो कितना 58 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस किसके 80 डिग्री है। इसका जब माइनस करेंगे देखिए 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा और ये हमारा कितना बचा 17 बचा। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 92। एंगल हमारा कौन सा आ गया डी सी ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई 92 के आ गई। यही हमको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था दिखाना ये था एंगल डी सी ई एंगल कितना है, वो एंगल हमको बताना था। तो एंगल हमने कितना बता दिया इसकी वैल्यू किसके है 92 डिग्री के इक्वल है। ये हमने इस तरह से क्या कर दिया, ये एंगल फाइंड कर लिया।